सलाम नमस्ते सलाम नमस्ते। सलाम नमस्ते सामुदायिक रेडियो स्टेशन पर रेडियो थिएटर हिंदी के पितामह मुंशी प्रेमचंद जी की अमित अमर कहानियों का नाट्य रूपांतरण रेडियो थिएटर। हेलो दोस्तों, मैं राज माहौर सामुदायिक रेडियो सलाम नमस्ते 90.4 FM से लेकर आया हूँ नादान दोस्त। इस कहानी के तीन मुख्य पात्र हैं। मैं हूँ कुणाल वर्मा, मैं केशव का किरदार निभा रहा हूँ। मैं हूँ दिव्या वर्मा, मैं श्यामा और उसकी माँ दोनों का किरदार निभा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस खूबसूरत कहानी को। हमने अक्सर अपने बड़े बूढ़ों को कहते सुना है कि हमने धूप में अपने बाल सफेद नहीं किए हैं। ऐसा वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जिंदगी के हर पड़ाव में हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, कभी अपनी गलतियों से, कभी दूसरों की गलतियों से। और ऐसा हम जानते हैं आज की उनकी ये कहानी नादान दोस्त भी, जो हमें ये बताती है कि कैसे केशव के हाथों से अंडे खराब हो जाते हैं और फिर उसे एहसास होता है कि कैसे कभी कभी हमारी नादानी से किसी की जान भी जा सकती है और किसी का बना बनाया आशियाना भी तहस नहस हो सकता है। केशव के घर में कार्निस दीवार का कोना के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ाया चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की भी सुधना रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें बच्चे किस तरह निकल आएंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। ना अम्मा जी को काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। क्यों भैया, बच्चे निकल कर उड़ जाएंगे? नहीं पापी, पहले पढ़ निकलेंगे। तो क्या खिलाएगी बेचारी? केशव के सवाल का जवाब कुछ ना था उसके पास। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वह बेचैन हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब बच्चे जरूर निकल आए होंगे। बच्चों के चारों का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे मर ही जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। तब तो चिड़ियों को चारे के लिए उड़कर भी नहीं जाना पड़ेगा। नहीं, तब क्यों जाएंगी? क्यों भैया, बच्चों को धूप नहीं लगती होगी? जरूर धूप लग रही होगी, बेचारों को बहुत प्यास लग रही होगी, ऊपर छाया भी तो नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी मान लिया गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ से नजरें बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाएं? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियां खड़ी होंगी कैसे? केशव बड़े देर तक इस उधेड़बुन में रहा। आखिरकार उसने ये मुश्किल भी हल कर दी। जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। तो बीच में से फटी हुई है, उसमें से धूप कैसे नहीं जाएगी? तू टोकरी तो ले आ, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई तरकीब निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को टहनी से टिका दिया। देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ दूंगा, कैसे धूप जाएगी? श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने समझदार हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थीं। लेकिन बच्चों की आंखों में नींद कहाँ? अम्मा जी को बहकाने के लिए दोनों आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गईं, दोनों चुपके से उठे
और धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत करने की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे में से एक स्टूल उठा लाया है, लेकिन जब उससे काम ना चला तो नाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रख दी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल की चारों टांगे बराबर ना होने की वजह से जिधर ज्यादा झुकता उधर उसे गिरने का डर और बढ़ जाता। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था, बार बार उसका ध्यान उधर जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गईं। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं और उस पर तीन अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, के बच्चे हैं भैया? तीन अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। जरा हमें भी दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा उठा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके उसने गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे उस पर धीरे से रख दिए। हमको भी दिखा दो भैया। दिखा दूंगा, पहले जरा वो टोकरी दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ मैं भी तो देख लूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। तू गिर पड़ेगी। ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़ लेना। ना भैया, कहीं तू गिर गिर पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी कर डालेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थीं और बगैर बैठे ही उड़ जाती थीं। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर के मारे नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भर कर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। तो तुमने दिखाया क्यों नहीं? और गिर पड़ती तो चार सर ना हो जाते? हो जाते तो हो जाते, देख लेती मैं भी। इतने में कमरे का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखें बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था ना दोपहर को नहीं निकलना, किसने दरवाजा खोला? दरवाजा केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था, कहीं श्यामा कह ना दे। अंडे ना दिखाए थे ना, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास ना था। श्यामा सिर्फ प्यार की वजह से चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, इसका फैसला नहीं किया जा सकता था। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और अब धीरे धीरे पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे अचानक श्यामा की नींद खुली, दरवाजे खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी, टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा उठा और दौड़ा बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? अंडे तो फूट गए। और बच्चे कहाँ गए? तेरे सर में, देखती नहीं है अंडों से उजला उजला पानी निकल आया है, वही 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। तुम दोनों धूप में क्या कर रहे हो? अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा? अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया
उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया था कि वह नीचे गिर पड़े। उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। इन्होंने ही अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। क्यों रे, तू वहाँ पहुँचा कैसे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े थे अम्मा जी। तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? तुम्ही ने तो कहा था। तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी मालूम नहीं कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया इन्हें नहीं सहती। फिर तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? और क्या करती, केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, जान ले ली दुष्टों ने। मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने की उत्सुकता में उसके हाथों से चिड़िया का बना बनाया घोंसला उजड़ गया। उसकी आंखों में गिलानी के आंसू झलक पड़े। वह समझ चुका था कि बाकी सारी गलतियों की सजा की माफी मिल सकती है, लेकिन किसी का बसा बसाया आशियाना उजाड़ने की नहीं। इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें शिक्षा के अभाव में और माता पिता के परामर्श के बिना कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। हम अपनी नासमझी में गलतियां तो कर देते हैं, लेकिन फिर पछताने के सिवा हमारे पास कोई और विकल्प नहीं बचता। इसलिए कहते हैं ना कि परामर्श ही ज्ञान का दूसरा रूप है। तो देखा दोस्तों आपने, प्रेमचंद जी की ये कहानी जो दशकों पहले लिखी गई थी आज भी उतनी ही समसामयिक लगती है। प्रेमचंद जी की कहानियां आज के समय में हमारे देश की दिल की भाषा हिंदी भाषा को जिंदा रखती है। थैंक यू। हिंदी के पितामह मुंशी प्रेमचंद जी की अमित अमर कहानियों को रेडियो की श्रद्धांजलि। तो दोस्तों, रेडियो थिएटर में ये थी आज की कहानी नादान दोस्त। अगली बार फिर से एक नई कहानी के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो सलाम नमस्ते। सलाम नमस्ते सलाम नमस्ते।